हाय, मैं हूं हर्षल dumblittlecoder.com से और आप देख रहे हैं HTML Basics। हमारे लास्ट लेसन में हमने देखा था कि हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। आज बेसिकली हम देखेंगे कि हम इन टेबल्स में हेडर्स कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली हेडर्स का काम ऐसा होता है कि लेट्स से मैं एक टेबल बना रहा हूं जिसमें 5 या 6 अलग अलग कॉलम्स है, तो कौन सा कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, ये दिखाने का काम ये हेडर्स करते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा बना के दिखाता हूँ, तो आपको बहुत उससे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, इसका नाम होगा पहले टेबल। और टेबल बनाने के लिए जैसा हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा था, हम टेबल टैग्स का यूज करते हैं। उसके बाद सबसे पहले मुझे जो सबसे पहली रो बनानी है वो मेरे हेडर्स के लिए है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा tr। और इस रो के अंदर हमने लास्ट टाइम यहाँ पे यूज किया था td, लेकिन अब इस टाइम पे मुझे हेडर देने हैं, तो मैं यूज करूंगा th। तो बेसिकली th का यूज करके हम टेबल के हेडर्स बनाते हैं। और इसमें जो टेक्स्ट अपियर होगा वो बाकी टेक्स्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो थोड़ा बोल्ड होगा और वो थोड़ा आई थिंक सेंट्रली अलाइन होगा। तो चलिए, हम टेबल जो बना रहे हैं वो कंट्रीज के लिए है, तो यहाँ पे सबसे पहला होगा कंट्री और उसके बाद उसके अंदर की एक सिटी। तो ऐसा डेटा हम बना देने वाले हैं यहाँ पे। एक काम करता हूँ, मैं इस टेबल को बॉर्डर भी दे सकता हूँ, दे देता हूँ। मैंने आपको बताया था लास्ट ट्यूटोरियल में कि हम टेबल को बॉर्डर कैसे दे सकते हैं। इसके बाद मैं एक और टीआर बनाऊंगा और इस टेबल का डेटा जो है वो फिल करना शुरू करूंगा। अब मुझे एग्जैक्टली कंट्री के नीचे कंट्री जो ये हेडर है इसके नीचे कंट्री नेम प्रिंट कराना है, तो मैं फर्स्ट कॉलम में लिखूंगा इंडिया और सेकंड कॉलम जो है सिटी। तो इसलिए मैं यहाँ पे यहाँ पे टीएच नहीं होगा, यहाँ पे टीडी होगा, क्योंकि ये टेबल डेटा है और ये है टेबल हेडर टीएच। तो यहाँ पे होगा टीडी। और लेट्स से मैं एक सिटी का नाम लिख रहा हूँ, वो है पुणे। मुंबई से ज्यादा मैं आई थिंक पुणे प्रेफर करूंगा, मुझे पुणे ज्यादा पसंद है मुंबई से। एक और उसके बाद सिटी टीआर, यहाँ पे मैं दूंगा टीडी। कंट्री का नाम मैं लिखता हूँ नेपाल और सिटी का नाम आई थिंक नेपाल की कोई सिटी काठमांडू। ओके, आई थिंक इतना काफी है हमारे इस ट्यूटोरियल के लिए। चलिए, तो हम वेब ब्राउजर पर देखते हैं। अब मैं अगर मेरे वेब ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो ये है टेबल है, यहाँ पे जो हेडर्स है इसके वो थोड़े बोल्ड में आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे जो हेडर्स है वो सेंट्रली अलाइंड है, यानी वो बिल्कुल जो ये टेबल का जो ये कॉल ये है बॉक्स है इसके बीचों बीच ये जो हेडर है वो आ रहा है, और हमारी जो वैल्यूज है टेबल का डेटा है वो लेफ्ट साइड अलाइंड है। तो इस तरह से हम हमारे टेबल्स में हेडर्स बना सकते हैं। तो ये था आज का ट्यूटोरियल, मिलते हैं हम हमारे अगले लेसन में। थैंक यू।